शाहरुख खान की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भले ही अच्छा प्रदर्शन न कर पाई हों, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को अभी भी उनसे उम्मीद है और उनकी फिल्म महंगे दामों में बिक रही है। शाहरुख की पिछली फिल्म फैन फ्लॉप रही थी और रईस से भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा नुकसान हुआ था। अगस्त में शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म प्रदर्शित होगी, जिसका निर्देशन इम्तियाज अली कर रहे हैं। फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है और इसे द रिंग नाम से पुकारा जा रहा है। इम्तियाज का हाल भी शाहरुख जैसा ही है, उनकी भी पिछली फिल्में असफल रही हैं। शाहरुख अनुष्का की इस फिल्म के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स और ओवरसीज राइट्स 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में बिकने की खबर है। नरेंद्र हीरावत के NH स्टूडियोज ने इम्तियाज की इस फिल्म के राइट्स खरीदे हैं। हीरावत ने राइट्स खरीदने की पुष्टि की है, लेकिन यह नहीं बताया है कि उन्होंने कितने दाम चुकाए हैं। सूत्रों के अनुसार यह डील 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में हुई।